नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यनु मंडल मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए मतलब 18th of मार्च 2020 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करूँगा। तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए। उसको सबसे विजल कम स्किनर कट में मैंने बाय लेवल सेल लेवल ऑफ इक्विटी निफ्टी कमोडिटी का फ्यूचर्स का लेवल दिखाता हूँ। वो भी आप लोग को रेगुलर बेसिस पे देखने इनके लिए मिल जाएगा, उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारा चार्ट का सेटअप है, स्ट्रेटजी है, टेक्निक्स है, जो भी आप लोग को स्टॉक मार्केट में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और ये फाइल लगा काम के लगा के आप लोग बहुत ही आसानी से स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कर सकता है। इसका इसमें क्या क्या है और कैसे स्क्रीनिंग करना है, इसका परफॉर्मेंस वाला वीडियोज़ भी आप लोग देख लीजिए, ताकि आप लोग को पता चल जाएगा इसको कैसे यूज़ करना है और कैसे इफेक्टिवली ये काम करता है। इसमें बहुत सारा लेवल्स है जो आप लोग को काम पर आएगा और आप लोग स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं। और इसका व्हाट्सएप में ग्रुप में जो ज्वाइन होने का फ्री ट्रायल के लिए ज्वाइन होने का लिंक भी इसमें दिया जाएगा यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप लोग को देखना, आप लोग फ्री ट्रायल के लिए ज्वाइन हो सकता है। और इसका डाउनलोड करने का लिंक भी आप लोग को मिल जाएगा। और जो लोग एलिस ब्लू अस्तर ट्रेड आप स्टॉक्स और एंजल बुकिंग में ज्वाइन होना चाहता है, तो मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उधर से आसानी से ज्वाइन हो सकता है। तो देखिए, मैंने निफ्टी 50 का डेली चार्ट ओपन किया हूँ। तो ये देखिए, इधर जो जिस दिन सर्किट लगा था 13 मार्च को, उसके बाद लास्ट दो दिन में इसका ऑलमोस्ट 50% ऑलमोस्ट इसका 50% के ज़्यादा ये रिट्रेस होकर नीचे आ गया है। तो जितना ये रिकवर हुआ था, ये भी 50% से ज़्यादा रिकवर हुआ था। ये आज भी एक बुलिश कैंडल, स्ट्रांग बुलिश कैंडल विदाउट एनी सेविंग्स, मतलब वीक्स ऑलमोस्ट मरबूजी टाइप का थोड़ा टूल्स लगाए हूँ, इसीलिए देख नहीं रहा है। तो ट्रेंड क्लियरली नीचे ट्रेंड है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्लियरली नीचे ट्रेंड है। अप जाने का पॉसिबिलिटीज कुछ नहीं है, कुछ पुल बैक हो सकता है, लेकिन डाउन ही जा सकता है। इसका रेजिस्टेंस, अपसाइड का रेजिस्टेंस है इधर 9478 में फर्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा, उसके बाद 9556 में पिवट पॉइंट होगा, उसके बाद 9767, उसके बाद 10,000 का ऊपर। तो इधर आप लोग का डेली चार्ट में, सॉरी इसमें और नीचे का जो रेजिस्टेंस है वो देख लेता हूँ। नीचे का जो रेजिस्टेंस है, इसमें फर्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा 89, सॉरी इधर तो क्लोजिंग हुआ है, फर्स्ट रेजिस्टेंस फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा 8464 में, उसके बाद 8255 में मिलेगा, इसके बाद 7925 और 7910, इसके बाद 7465 और 7349 में इसका सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद ये 6448 तक आ सकता है। और इधर वीकली चार्ट में देख लेते हैं इसका पोजीशन क्या है। वीकली और मंथली चार्ट भी आप लोग देख सकते हैं, तो आप लोग को क्लियरली पता चल जाएगा ये कितना दूर तक आ सकता है और कितना रिट्रेस हो सकता है। इधर देखिए वीकली चार्ट में, इधर 8555 तक तो इसका नीचे आया था, इसके बाद इधर जो इधर तक तो इसका ये जो इसका जो सपोर्ट था 86914 में, तो उधर तो ब्रेक हो चुका है इसका तक। ये ऑलरेडी इधर इधर 8915 में क्लोज हुआ है ऑलरेडी, ये 8258 तक आ चुका है। तो इसका ये जो स्विंग हाई, इधर जो स्विंग हाई आप लोग देख सकते हैं, इधर दोनों तरफ से जो टॉप बनाया था, और जो इधर स्विंग लो का जो नीचे है इधर 8316 में इसका 8255 में इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस, सॉरी नेक्स्ट सपोर्ट बन सकता है, उसके बाद 7910 में इसका सपोर्ट बन सकता है, उसके बाद ये 7415 में इसका सपोर्ट बन सकता है। इधर जो दोनों टॉप बना था, जो दोनों बॉटम बना था, इसमें 1 2 3 4 5
वीक का डिफरेंस है और जो प्राइस का जो डिफरेंस है लगभग 8669 और टॉप बनाया था हाई और 8672 8888 और 84 8649 लगभग 4x का ऑलमोस्ट सॉरी 400 पॉइंट का जो डिफरेंस इधर दिया है और इधर 1 2 3 4 5 6 7 वीक्स का जो डिफरेंस जो है इसमें लगभग इसमें से ही आप लोग टाइम और प्राइस स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट कैलकुलेट कर सकता है। इसका और भी जोड़ सकता है इधर से 400 मतलब इधर से जो बॉटम हुआ है तो इधर मतलब 8692 400 को जब आप लोग मतलब 408687 या 869870 से जब 400 निकल देंगे तो 8300 इसका कुछ आना आना चाहिए आने का पॉसिबिलिटीज है प्रोबेबिलिटीज बनता है। और इधर से कुछ जो 30 जनवरी से कुछ एटलीस्ट मतलब 7 वीक्स तो ऑलरेडी हो चुका है तो इस टाइम में आना चाहिए कि इस मार्च का एंड या मार्च का बीच में आना चाहिए कि 4 वीक्स का जो डिफरेंस है तो इसमें ये 8300 के नीचे इसका आना चाहिए। तो उस ये सब बाद में मैंने दिखाऊंगा वो सब बाद में टाइम एंड प्राइस का एनालिसिस बाद में दिखाऊंगा आप लोग को। तो इसमें अभी वीकली चार्ट में ये सिनेरियो दिखा रहा है और मंथली चार्ट में जो दिखाता है मंथली चार्ट में भी ऐसा ही दिखा रहा है। फर्स्ट रेजिस्टेंस इसका 8255 और 8300 8255 के अंदर इसका स्ट्रांग सपोर्ट है। वो तोड़ेगा तो 7900 उसके बाद 7000 में इसका सपोर्ट मिलेगा, यही आप लोग पकड़ के चल सकता है। और मैंने एक बार 30 मिनट का चार्ट दिखाऊंगा कि इधर एक इधर देखिए जो लगभग आज 2:45 में सबसे बड़ा मूवमेंट आया था 2:45 में तो इधर और कल 11:12-15 बजे तो तक ये इसका एक बड़ा मूवमेंट नीचे मूवमेंट आएगा तो नीचे ही आएगा क्योंकि इधर ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है तो इधर एक बड़ा मूवमेंट एक्सप्रेस कर सकता है। उसके बाद तो 3:15 तो हो चुका है, नेक्स्ट डे 19 मार्च में 9:45 में कुछ बड़ा मूवमेंट आप लोग देख सकता है। एनीवे तो मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट देखना चाहता हूँ। बैंक निफ्टी का जो चार्ट है इसमें डेली चार्ट लगाता हूँ तो डेली चार्ट में देखिए वो भी बैंक निफ्टी का भी सेम कंडीशन है। इसका एक जो इधर आया था लो आया था उस दिन 21,391-323 तक आया था तो उसका ऑलमोस्ट 50% इसका कवर 50% के ज़्यादा ये कवर कर लिया। और जब भी कोई स्टॉक या इंडेक्स 50% के ऊपर जब ये जाता है तो इसका और भी नीचे या और भी ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। तो इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट बढ़ सकता है 22,451 और इधर 24,523,595 सब तो आप लोग देख सकता है। इधर सपोर्ट भी आप लोग देख सकता है इधर 20,841 में फर्स्ट सपोर्ट बनेगा, उसके बाद 19,035 में सपोर्ट बनेगा और देखना पड़ेगा कि कहाँ पर सर्किट लगता है वो भी देखना पड़ेगा 16,379 वो भी एक हाई। और इधर इधर से वीकली जो चार्ट वीकली चार्ट में भी सिनेरियो ऐसा ही है कहाँ पर दिखता है कहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकता है। देखिए इतना दूर तक तो ये आ चुका ही है इधर तक ये जो आया था सॉरी इतना तक तो आया नहीं था कुछ 21,391 तक ये आया था।